दोस्तों, मैं प्रगत द्विवेदी प्लाई रिपोर्टर से। कोरोना वायरस ने सबकी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर रखा है। सभी हाथ धोने से लेकर सफाई करने तक काफी बिजी हैं। आइसोलेशन, क्वारंटाइन और क्या होगा की चिंता के बीच वुड पैनल इंडस्ट्री अपने हिस्से की स्ट्रगल को फेस करने के लिए खड़ी है। तैयारी के नाम पर हम सभी तैयार हैं, हम सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एक जगह हम कहीं न कहीं सशंकित हैं। हमारे बिजनेसेस, ट्रेड और इंडस्ट्री पर इसके क्या परिणाम होंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप कुछ चीजों से अवगत हो। इस तरह की घटना, इस तरह का एपिडेमिक हमारे अपने जीवन के करियर में पहली बार है जो भारत तक आ पहुंचा है। इसका प्रभाव हमारे बिजनेसेस पर जरूर पड़ेगा, लेकिन इस कठिन घड़ी में जब हमें ये नहीं पता आने वाले 2 हफ्तों में क्या होगा, एपिडेमिक फैलेगा या रुकेगा, यह कई लोगों के मन में अविश्वास और डर पैदा करता है। वुड पैनल इंडस्ट्री के तमाम डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स सशंकित हैं कि पेमेंट्स आएंगी कैसे, जाएंगी कैसे, बिजनेसेस का क्या होगा। लास्ट 4 दिनों में हमने, हमारी टीम ने लगभग 400 लोगों से ज़्यादा लोगों से बात की। शंका सबको है, डर सबको है, पेमेंट्स स्लो हैं, अराइवल ऑफ कस्टमर्स स्लो है, तो क्या गाड़ी रोक दें, क्या बिजनेसेस रोक दें? नहीं। मैंने जो महसूस किया, भारत में यह समय आया है, पूरे विश्व में आया है, यहाँ की यंग जनरेशन इस चीज़ को बीट तो जरूर करेगी, हम आइसोलेशन से इस चीज़ को बीट तो जरूर करेंगे, लेकिन इस दौरान गलत किए हुए वादों से, मुकरने से और किसी के चलते कामों से वो जो दिल तोड़ेंगे वो दोबारा वापस नहीं जुड़ेगा। यह कठिन समय तो है, लेकिन ये ऐसा भी समय है जिसमें आपका अपना कौन है, आपका साथी कौन है, आप किसके साथ खड़े हैं और वो आपके साथ कितना खड़ा है, आप इसे पहचान पाएंगे। कहा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में मित्र की पहचान होती है। यह वो समय है जब हमें घबराना नहीं है, एथिक्स, प्रिंसिपल्स उस पर कायम रहना है। बहाने, डिफॉल्ट और इस इंडस्ट्री का जो फेथ है ट्रेड पर, जहां पर हम सिर्फ जवान पर कुछ मटेरियल दे देते हैं, उसे नहीं तोड़ना है। बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर पहले से ही मंदी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस की आपदा हम सभी को प्रभावित करने जा रही है। ऐसे में आप अपनी कमिटमेंट्स को थोड़ा ही सही, धीरे ही सही, लेकिन ऑनर जरूर करें। यस बैंक का धक्का, ऑलरेडी हमारे बिजनेसेस में कई लोग बहाने के लिए भी ये कहते पाए गए कि यस बैंक की वजह से मेरा अकाउंट सील हो गया, लेकिन पता चला कि उन्होंने यस बैंक में तो ऑपरेट ही नहीं किया। कोरोना की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रही है, ये कहते सुना जा रहा है, आम बात है, लेकिन क्या डिस्पैचेस और मैन्युफैक्चरिंग से डिमांड बंद है? नहीं, कम है लेकिन बंद नहीं है। इसी तरह से पेमेंट्स को आगे बढ़ाएं, श्रृंखला को मत रोकें, और अगर लॉकडाउन की स्थिति आती है, जो कि शायद इनेविटेबल है, तो हमें उन 2-3 हफ्तों के लिए घबराना नहीं है, कमिटमेंट्स को फेल नहीं करना है, समझाना है और एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा आपने वुड पैनल ट्रेड के सभी डीलर भाइयों से, मैन्युफैक्चरर्स से, सप्लायर्स से, कि जरूरत पड़े तो भी इस चेन को ना रोकें, आइसोलेट हो, सेल्फिश ना हो, सबका काम चलने दें, कठिन घड़ी है, एक दूसरे को थामे रखें। धन्यवाद।